सबसे पहले क्लास में जैसे कि हमने लेथ का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, उसका पार्ट्स के बारे में देखा, फिर जो इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने देखा था कि लेथ किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लेथ का अलग 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 पार्ट्स लेके उसके पार्ट्स में कौन कौन किस तरीके से बना हुआ रहता है, किस चीज से बना हुआ रहता है, वो वर्किंग किस तरीके से करता है, थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेथ बेड के बारे में। देखिए लेथ बेड, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था कि लेथ बेड वो पोर्शन ऑफ द लेथ होता है जो लेथ का सबसे भारी और सबसे बड़ा पोर्शन होता है। सबसे बड़ा पार्ट लेथ का सिर्फ यही है, इसका नाम है बेड, ठीक है। तो इसको लेथ बेड बोल देते हैं क्योंकि लेथ का बेड है। अगर मैं आप लोगों को लेथ के बारे में डिटेल से बताना चाहूँ अच्छा से कि लेथ बेड कौन सा पोर्शन है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए, मैंने एक मिनी लेथ बनाया हुआ, मिनी लेथ तो देखिए यहाँ से यहाँ वाला जो पोर्शन है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये आपका हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, और ये जो है हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, ये टूल पोस्ट है। लेकिन जिसपे ये बेस है, जिसपे ये लगा हुआ है, ये वाले ये पोर्शन सबसे बड़ी वाले पोर्शन, ये यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका बेड है। यही बेड यहाँ पे मैंने डिटेल्स में बनाया हुआ है, ये लेथ बेड है, ठीक है। ये जो आपको लेथ बेड नजर आ रहा है इसमें देखिए क्या क्या पार्ट होता है, ये वाली तो पूरे कास्ट आयरन की बनी हुई रहती है, पूरे के पूरे एकदम इतना सॉलिड आयरन होती है। अब इसके ऊपर में ये देखिए रेल्स बनी होती है, जैसे कि वेज होती है, जैसे कि रेल की पटरियां होती है वैसे वेज बनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर जो है ये जो है टेल स्टॉक और मशीन टोक ये मूव करता है, ठीक है। अगर वो मूव करे तो उसके लिए तो आपको कुछ रास्ता देना पड़ेगा, तो वो पटरी बनाए जाते हैं जिसको हम लोग वेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन वेज इस तरीके का बना हुआ रहता है। अब देखिए मशीन वेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक तो आप वी टाइप्स होते हैं, फ्लैट टाइप्स होते हैं, वो चीजें अलग अलग, जब इसका पार्ट देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे। तो अगर मैं लेथ मशीन बेड का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस बताने जाऊं, देखिए ये इसी के ऊपर तो आपका टूल पोस्ट और टेल स्टॉक बैठा हुआ है। टेल स्टॉक और टूल पोस्ट जो भी काम करेगा वो डिपेंड करेगा इस पे, अगर ये अच्छे से बेस, मतलब कि हिले अगर ये, या तो अच्छा से बेस ना दे, तो आपकी जो जो भी काम होगी ये टूल पोस्ट और टेल स्टॉक में वो आपके अच्छे से नहीं हो सकेगी। मतलब कि ये अच्छा बेसिक सपोर्ट देता है आपको टूल स्टॉक और टेल स्टॉक और मशीन। तो चलिए देखते हैं अब क्या इसका जो आपका लेथ बेड है, लेथ बेड को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। लेथ बेड को जनरली चार टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, वो भी किसी हिसाब से लेथ बेड, देखिए ये तो सारे के सारे बेड एक जैसे ही होंगे, सिर्फ आपके जो वेज है मतलब वो पटरियां किस किस टाइप से होंगे उस हिसाब से ये डिवाइड होते हैं। देखिए वो मैं ऐसे ही आप लोगों को समझा देता हूँ, वो चार टाइप है, फ्लैट टाइप, वी टाइप, कॉम्बाइन और एक होता है गैप, ठीक है गैप टाइप। तो देखिए जिस टाइम फर्स्ट टाइम लेथ बनाया गया उस टाइम जो वेज था मतलब कि पटरी टाइप थी वो फ्लैट रखा गया, एकदम समतल रखा गया, तो उसमें बेनिफिट्स भी उन लोगों का था कि उसमें आसानी से, कोई भी फ्लैट सरफेस में क्या होता है ना फ्रिक्शन कम होता है, जिसके कारण आसानी से आप दोनों पार्ट्स को जो टूल्स क्या बोलते हैं टेल स्टॉक और ये टूल पोस्ट दोनों को आसानी से आप मूव करा सकते हो। मूव तो कर जाता है लेकिन उसमें कि एक अच्छा बेस नहीं बन पाता, दोनों के बीच अच्छा कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता, जिसके कारण ना थोड़ा सा अलाइनमेंट होने की संभावनाएं रहती है। जब देखा कि अलाइनमेंट हो रहा है जिसके कारण क्या होता है कि उसके जो काम है काम में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते थे, मतलब कि इक्वेशन नहीं आ पाती थी, जिसके कारण क्या किया कि अलाइनमेंट को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया बी से बना दिया, जैसे कि ये बी बना दिया, बी के ऊपर आपके टूल पोस्ट भी बने हुए रहेंगे अपोजिट भी बना के और टेल स्टॉक भी बने हुए रहेंगे। अब उसमें क्या होता है अलाइनमेंट तो नहीं होता था, प्रॉपर आपका क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन बनता था दोनों का, तो फ्रिक्शन तो नहीं हो रहे हैं, अलाइनमेंट नहीं हो रहे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो फ्लैट वेट में इजिली मूव करता था अब वो मूव नहीं कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, तो इस चीज को
कम करने के लिए क्या किया गया, कंबाइंड टाइप ऑफ बेड बनाया गया। देखिए कंबाइंड टाइप ऑफ बेड क्या है, इसमें बी सेल और साथ साथ का फ्लैट दोनों को कंबाइंड कर, जैसे कि ये वाला, क्योंकि ये जो क्वार्टर क्वार्टर में है ये बी सेल और बीच बीच में आपका फ्लैट है, मतलब समतल। इस तरीके से एक न्यू टाइप ऑफ बेड बनाया जिसका नाम रखा कंबाइंड बेड, ठीक है। और कंबाइंड बेड के बाद एक गैप टाइप बेड आता है। गैप टाइप बेड में क्या होता है, जैसे कि ये लेग मशीन है, देखिए आपको पता है कि ये टूल पोस्ट भी मूव करता है और टेलीस्कोप भी मूव करता है। देखिए कभी कभी जब हम लोग मशीन ऑटोमेटिक करते हैं, टूल पोस्ट आगे आते 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 एकदम यहाँ तक छट जाएगा, यहाँ पे जो आपका टूल्स और ऑफिस है सब कट के टूट फूट जाएगा, मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। इसको बचाने के लिए क्या किया कि अगर हम बेड पे ही मूव करके यहाँ आ रहा है, अगर हम बेड को ही यहाँ से हटा दे, ये वाला पोर्शन हम गैप रख दे, तो फिर कैसे वो आगे आके एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा। फिर इसको क्या किया, इस तरीके से गैप बना दिया, यहाँ से मशीन इतना ही दूर आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। तो ये होता है जनरली उस टाइप का मशीन में जहां पे टूल आपका बहुत लंबा होता है, क्योंकि देखिए अगर सामने होते तो सामने तो जा ही नहीं पड़ेगा, छोटा अगर होगा तो बड़ा, जिस टाइम बहुत बड़ा बड़ा टूल आप यूज करते हो वर्कपीस काम के लिए, उस टाइम आप गैप बना देते हैं जिसमें एक्सीडेंट कम होता है और आसानी से काम भी हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री के लिए खास कर रहे हैं। तो ये चार टाइप के जो मैंने आपको बताया आज, टाइप्स ऑफ बेड लेथ बेड, जिसमें से आपका सबसे पहले बताया फ्लैट टाइप, फिर बताया बी टाइप, तीसरा नंबर में आपका आया क्या है ये कॉम्बिनेशन, और चौथा नंबर में गैप जो वहां पर मैंने बताया ये गैप। तो ये यही इसके चार टाइप्स है और इसमें और ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। तो धन्यवाद, आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा, क्योंकि मेरा अभी सब्सक्राइब भी हो बहुत स्लो है, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए।